दोस्तों, एक ऐसा क्वेश्चन जो कभी ना कभी आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि आखिर हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में किस पर टिकी हुई है। ऐसे कौन से शक्ति है जिस वजह से पृथ्वी अंतरिक्ष में टिकी हुई है? क्या वाकई में पृथ्वी के नीचे कुछ भी नहीं है? तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राजेश। आप देख रहे हैं पृथ्वी के नीचे क्या है। दोस्तों, पृथ्वी और सौर मंडल के नीचे कुछ नहीं है, केवल नीचे दूर दूर तक फैला हुआ अंतरिक्ष है। पृथ्वी किसी भी चीज पर टिकी हुई नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में बाकी सभी ग्रहों की तरह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के ताकत की वजह से घूम रही है। सूर्य में गुरुत्वाकर्षण सतह इतनी अधिक है कि वह सभी ग्रहों को अपने इर्द रखने में सभी का समर्थ है। लेकिन दोस्तों, पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की वजह से अंतरिक्ष में रुकी हुई है, तो अगर मान लो सूर्य नहीं होता तो क्या पृथ्वी नीचे गिर जाती? इस सवाल का जवाब आप नहीं जानते होंगे। जी बिल्कुल नहीं जानते होंगे, क्योंकि दोस्तों हमारी पृथ्वी का आकार केवल सूर्य ही नहीं, बल्कि साइंस के अनुसार अंतरिक्ष में कोई भी वस्तु एक जगह पर नहीं है। अंतरिक्ष में सब चीज़ें घूमती ही रहती है, और अगर वो मौसम में है तो मौसम में ही रहेगी, और अगर गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी। तब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, यानी कि आसान शब्दों में कहा जाए, जब तक कोई बाहरी बल ना लगे तब तक वह उसी गति में रहेगी जिस स्थिति में है। अगर आपके दिमाग में भी ये ख्याल आ रहा है कि अगर पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से बनी हुई है, तो पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के अंदर क्यों नहीं समा जाती? यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों, पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के वजह से उसके अंदर इसलिए नहीं समा जाती क्योंकि पृथ्वी खुद भी एक गति है, और इसी गति की वजह से पृथ्वी सूर्य के अंदर नहीं जाती। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी की गति एक ऐसे जगह पर स्थिर है जहां पृथ्वी का गिरना एक चक्र बन जाता है, जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में ऑर्बिट कहते हैं। दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण और अन्य ग्रह के ऑर्बिट के घूमने के इस नियम को न्यूटन ने इसे टॉप की गोली का उदाहरण से इस बात को समझाने की कोशिश किया है। मान लीजिए हम पृथ्वी की सतह पर खड़े हैं, पर एक टॉप सी गोली को तेजी से फेंकता है, तो कुछ ही दूरी तय करने के बाद वह गोला पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से जमीन पर ही आ गिरेगा। ये गोला दागने के बाद उसी जगह पर इसलिए नहीं गिरता क्योंकि एक खुद की गति है, लेकिन गिरने के बाद उसे धरती की गोलाई की वजह से उसे धरती पर गिरने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो वो लगातार घूमता ही रहेगा और पृथ्वी के सतह को भी नहीं छुएगा, और धरती का चक्कर लगाता ही रहेगा। ऐसी को हमें ऑर्बिट कहते हैं। इसी नियम पर हमारी स्टारलाइट काम करते हैं, और हमारी धरती भी इसी नियम पर सूर्य का चक्र लगाती है। धरती सूर्य की तरफ गिरती ही रहती है, मगर पृथ्वी के गति से उनका गिरना कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम चलते हैं। धन्यवाद।